हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की कोफ्ता। तो बहुत इजी है, आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे किस तरीके से बनाना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने सोयाबीन लेके उसको भिगवाया था। भिगोने के बाद जैसे ही थोड़ा नरम हो गया, उसके बाद हमने इसको कद्दूकस कर लिया, या आप चाहे तो इसको हाथ से भी छोटे छोटे पीसेस में निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे पीसेस के बना लेना है, फिर आपको इसमें बेसन मिक्स करके इसके पकोड़े बना लेना है। आगे का आपको अभी पता चल जाएगा। अब हमें एक कटोरी बेसन यहाँ पे ऐड कर लेना है, उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता हमें ऐड कर लेना है। प्याज के छोटे छोटे पीस बना के थोड़े से प्याज यहाँ पे ऐड कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लेना है आपको। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना। अब हमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए, पानी डाल के आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, जिससे कि सोयाबीन और जो प्याज वगैरह हमने इसमें डाला है सबके साथ बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे आपको गोला बना लेना है। देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे गोला गोला बना के आपको इसे तेल में फ्राई कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही छोटे छोटे गोले बना के आपको ऐसे तेल में डालते रहना पड़ेगा। देखिए, अंदर के साइड में जो सबसे पहले हमने ऐड करा था वो फ्राई हो भी गया, उसमें रेड रेड सा कलर आ गया है। तो दोस्तों, गोला बनाने के टाइम पे थोड़ा सही से बनाएं, क्योंकि अभी हमारा जो है एक गोला टूट गया। देखिए, सारे बिखर गए हैं, तो गोला थोड़ा सा टाइट आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरीके की अगर आपको फूड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं। चैनल पे कई ऐसे वीडियो हमने डाल रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं, अलग अलग डिश आप बना के खा सकते हैं। अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार आए तो उनको भी खिला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अभी इसको हमें निकाल के अलग से रख लेना है सब्जी के लिए। तो ये हमने सारे पकोड़े यहाँ पे निकाल के रखा है। अब जब सब्जी बनेगा उस टाइम हमें इसको सब्जी में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, अभी जो है हमने इसमें तेल गरम करके जीरा फ्राई करने के लिए रखा है। जीरा फ्राई हो गया है, अभी हम इसमें प्याज ऐड करने वाले हैं। प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर उसको फ्राई कर लेना है। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें ब्राउन कलर आ जाए। तो दोस्तों, प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है और अभी हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल बराबर फ्राई हो, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और फिर हमें लो फ्लेम में इसको थोड़ा सा फ्राई करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी हम इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं। मसाला आपको बता देते क्या क्या है। इसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी मसाला हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको किस टाइप की मसाला यहाँ पे ऐड करना है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले हमने एक ही साथ ऐड कर दिया है, इससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आएगा।
अब लो फ्लेम में इसको थोड़ी देर तक हमें फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों अभी हम 3-4 पीस आलू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो आलू ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा स्वाद इसका अच्छा है इसलिए हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। इससे क्या है जो हमारा जो सब्ज़ी है इसमें थोड़ा सा टेस्ट और आएगा आलू का। तो ऐसे करके आप भी अगर चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस आलू अगर आप ऐड करेंगे तो इतना ध्यान रखना है आलू के जो पीसेज हैं वो थोड़ा सा बड़ा रहें, हमने थोड़ा सा छोटा काट दिया है। आपको जो ये आलू के पीसेज हैं इसको थोड़ा सा बड़ा काट लेना है। तो दोस्तों अभी हमें 2 से 3 मिनट इसको ऐसे फ्राई करते रहना पड़ेगा और बीच बीच में इसको हमें मिक्स करते रहना पड़ेगा ऐसे करके, जिससे कि मसाला ज़्यादा फ्राई होकर जल ना जाए, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और ऐसे मिक्स करते रहना पड़ेगा। मसाले की खुशबू अच्छा आने लगा है, मतलब सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है आज तो। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, अभी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, ऐसे करके आपको भी पानी ऐड कर लेना है जब आपको लगे मसाला तैयार हो गया है। तो दोस्तों पानी का ध्यान रखना है, पानी जितना आपको चाहिए उतना ही आपको इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ना करें। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर तक हमें ऐसे ही रहने देना, जब एक उबाल आ जाएगा तब आपको इसके इसमें जो हमने पकौड़े बनाए थे उसको हमें इसमें ऐड करना है। तो अभी पानी को थोड़ा सा खोलने देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद हमने ढक्कन निकाल लिया है और इसमें देखिए अभी पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, मतलब अभी जो है हमारा तरी जो है बिल्कुल रेडी है और अभी हम इसमें पकौड़े ऐड करने वाले हैं। तो ये हम पकौड़े इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए इसी तरीके से आपको भी पकौड़े ऐड कर लेना है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करके आपको सारे पकोड़े ऐड कर लेना है, फिर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब दोबारा से आपको ढक्कन लगा देना है, 10 से 15 मिनट फिर से आपको इसको ऐसे ही रहने देना है लो फ्लेम में। तो दोस्तों देखिए ढक्कन निकालने के बाद सब्जी कुछ इस तरीके का दिख रहा है और कितना अच्छा यह लग रहा है, और अभी हमारा सब्जी बनके भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें आप पकोड़े भी देख सकते हैं, ये अभी जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करना है। इस तरीके से आप भी धनिया पत्ता ऐड कर लेना लास्ट में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा रेसिपी बिल्कुल तैयार है, अभी देखिए सब्जी बनके तैयार हो गया है। और ये जो सब्ज़ी है सोयाबीन की कोफ्ता, ये आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, और कोई रिश्तेदार आए तब आप बना सकते हैं, तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे।